नमस्कार फ्रेंड्स, आरवी मोरा चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं एक आसान सा थंबनेल डिज़ाइन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो थंबनेल है ये पुराना थंबनेल है। इसी थंबनेल का यूज करके हम एक नया थंबनेल तैयार करेंगे बिल्कुल न्यू डिज़ाइन में। तो कैसे तैयार करेंगे, आइए वीडियो शुरू करते हैं। मेन्यू पेज इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इन सभी मैटर को अलग करके रखा हुआ है। इन सभी को मैं पेज से बाहर कर लेता हूँ पहले। और जो थंबनेल की साइज़ जो होती है 1280 पिक्सल × 720 पिक्सल होता है, तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ 1280 × 720। उसके बाद अब इसको चाहें तो इसकी साइज़ आप बड़ा कर सकते हैं इस कॉर्नर से। तो शिफ्ट की प्रेस करते हुए मैं कॉर्नर से इसकी साइज़ बड़ा कर देता हूँ। आपको इस तरीके से नहीं बड़ा करना है, नहीं तो जब आप वीडियो अपलोड करेंगे तो ये थंबनेल में परफेक्ट तरीके से सेट नहीं होगा। इसलिए आप इसको अगर बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं कॉर्नर से, अन्यथा छोटा या बड़ा करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। अब इसी में हम इन सभी मैटर को सेट कर लेते हैं। उससे पहले हम इसकी थोड़ी सी डिजाइनिंग कर लेते हैं। तो डिज़ाइनिंग के लिए हम एलिप्स टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो टूल्स में जाएं, एलिप्स टूल सेलेक्ट करें और सिंपली इसको यहाँ पर सेट करें। फिर इसी का एक डुप्लीकेट कर लें। तो डुप्लीकेट मैं इस कॉर्नर से करता हूँ और यहाँ तक लाएंगे इसको इस तरीके से। अब इस सर्कल को थोड़ा सा और लेफ्ट साइड में कर देते हैं यहाँ तक, और थोड़ा सा बॉटम साइड में भी लाएं, या फिर आप इस सर्कल को और टॉप साइड में कर लें। तो एरो की का इस्तेमाल करके इसको और टॉप साइड में करता हूँ, थोड़ा सा लेफ्ट में भी लाएंगे इसके करीब यहाँ पर। अब इसी का एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं कॉर्नर से। उसके बाद हमें क्या करना है, टूल्स में जाना है और स्मार्ट फिल टूल सेट करना है। लेकिन उससे पहले क्या करें, ये जो लास्ट वाला सर्कल है इसको सेट करें और इस रेक्टेंगल को प्रॉपर्टी बार में जाएं और यहाँ से कर लें इंटरसेक्ट। तो आपको इतना पार्ट मिल जाता है। उसके बाद टूल्स में जाएंगे, स्मार्ट फिल टूल सेट करेंगे और इस पार्ट को मैं फिल करता हूँ, फिर इस पार्ट को। अब हम इसमें कलर फिल कर लेते हैं। तो इसमें मैं फिल करता हूँ ब्लैक कलर। इसको चाहें तो आप ग्रेडियंट भी बना सकते हैं। तो वैसे ब्लैक में ग्रेडियंट कोई विशेष आवश्यक नहीं है, अगर आपकी इच्छा है तो बना भी सकते हैं। मैं कीबोर्ड से जी प्रेस करता हूँ और यहाँ पर इससे लाइट ब्लैक कलर फिल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ग्रेडियंट इफ़ेक्ट भी आपको मिल जाता है। और इसमें मैं फिल कर लेता हूँ ब्लू कलर या फिर सियान कलर रखते हैं और इसको भी ग्रेडियंट ही बना लेते हैं। तो कीबोर्ड से जी प्रेस करें और यहाँ पर मैं डार्क सियान कलर फिल कर देता हूँ। तो इस सियान कलर पर माउस लेफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे, कलर का कलेक्शन ओपन हो जाता है। और यहाँ से डार्क कलर सेट कर लें तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ग्रेडियंट इफेक्ट आपको मिल जाता है। उसके बाद इसका कलर मैं कर देता हूँ डार्क ग्रे कलर। और टूल्स में जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी टूल सेट करेंगे, प्रॉपर्टी वाले में जाएंगे, इसके मोड को यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, नॉर्मल की जगह कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं आपको इस तरीके से इफ़ेक्ट मिल जाता है। आप चाहें तो आप इसको और लाइट भी कर सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी टूल का इस्तेमाल करके मैं बॉटम साइड से लाइट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसी का एक डुप्लीकेट कर लेना है। तो सिंपली डुप्लीकेट कर लें, थोड़ा सा इसको और बॉटम साइड में लाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो पतला हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा बॉटम साइड में इसको खींच देता हूँ। अब इसके फिल को नन करेंगे, इसमें आउटलाइन लगा देते हैं। उसके बाद टूल्स में जाएंगे, स्मार्ट फिल टूल सेट करेंगे और सिंपली इस पार्ट को फिल कर देते हैं। अब इस रेक्टेंगल को मैं डिलीट कर देता हूँ। इसमें फिल करेंगे केसरिया कलर या फिर ब्लैक कलर भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद इस लोगो को मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, इसकी साइज थोड़ी सी और बढ़ा देंगे। और ये जो 73 के व्यू है इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, इसकी साइज़ और बढ़ा देते हैं। इसके लिए मैं एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर लेता हूँ। तो टूल्स में जाएं, सिंपली एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसको तिरछा भी करेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे और इस एरो से मैं इसको तिरछा कर लेता हूँ लेफ्ट साइड में। अब इसमें मैं कलर फिल कर देता हूँ। तो इसमें रेड कलर फिल करेंगे, इसके आउटलाइन को नन कर देते हैं, इसी का डुप्लीकेट बॉटम साइड में करेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे और इस पॉइंट से ड्रैग करेंगे बॉटम साइड में कंट्रोल की प्रेस करते हुए। उसके बाद राइट बटन क्लिक करके छोड़ देंगे, इसका एक डुप्लीकेट हो जाता है। उसके बाद कंट्रोल क्यू से इसको कर्व करेंगे या फिर आप यहां से भी कर्व कर सकते हैं। कर्व करने के बाद सेव टूल सेट करेंगे और इस पॉइंट्स को डिलीट कर देते हैं। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाता है। अब इस पॉइंट्स को मैं लेफ्ट साइड में यहाँ पर लाता हूँ और ये जो पॉइंट्स है इसको मैं यहाँ पर लाता हूँ कुछ इस तरीके से। इसकी साइज थोड़ी सी मैं और बढ़ा देता हूँ लेफ्ट साइड में,
उसके बाद इसी का एक और डुप्लीकेट करेंगे। तो डुप्लीकेट करने के बाद अब इस पॉइंट्स को मैं यहाँ पर लाता हूँ और इस पॉइंट्स को यहाँ पर लाते हैं, और ये जो पॉइंट्स है इसको और अंदर की साइड नहीं लेफ्ट साइड में कर देते हैं। इसकी साइज थोड़ी सी मैं और बढ़ा देता हूँ। अब इसमें कलर फिल करेंगे, तो यहाँ पर मैं डार्क कलर फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं रून इस कलर को मैं फिल कर लेता हूँ और इसको कर देते हैं लाइट यानी केसरिया कलर, और इसको भी ग्रेडियंट बना देते हैं। तो कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे और यहाँ पर मैं डार्क कलर थोड़ा सा फिल कर लेता हूँ। तो इसी सेम कलर को फिल कर देते हैं। अब इसको और बाहर की साइड लाएंगे और जो टेक्स्ट का कलर है इसको मैं वाइट कर लेता हूँ। तो बाहर से ड्रैग करते हुए सेट करेंगे और इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट, और इसकी साइज थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं। इसको टॉप और बॉटम साइड से मैं बढ़ा देता हूँ। तो शिफ्ट की प्रेस करेंगे और इस पॉइंट से इसकी साइज बढ़ा देता हूँ। इस डिज़ाइन को और राइट साइड में लाएंगे, और ये जो डिज़ाइन है इसको चाहें तो थोड़ा सा आप लेफ्ट साइड में कर सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में करने के बाद ये जो रेड वाला रेक्टेंगल है इसको मैं कंट्रोल के साथ करता हूँ पेज डाउन। तो कंट्रोल की प्रेस करें और सिंपली पेज डाउन। उसके बाद ये जो रेड वाला रेक्टेंगल बाहर जा रहा है इसको मैं इतना पार्ट कट कर देता हूँ। तो कैसे कट करेंगे, ये जो डिज़ाइन है इसी का मैं एक डुप्लीकेट कर देता हूँ। कीबोर्ड से प्लस बटन प्रेस करके अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यानी ये जो नीला वाला है और रेड वाला, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से कर देते हैं बैक मीन्स फ्रंट। बैक मीन्स फ्रंट हमें नहीं करना था, बल्कि हमें करना था फ्रंट मीन्स बैक। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी के साथ ये पार्ट ब्रेक हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा दिखाना है कि ये जो ब्लैक वाला है ये बॉटम साइड में है और इसके ऊपर से रेड डिज़ाइन गया हुआ है। तो एक बार फिर से ये जो ब्लैक वाला डिज़ाइन है इसको मैं शिफ्ट के साथ पेज डाउन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको डिज़ाइन मिल जाता है। अब हमें क्या करना है, चाहे तो आप इसी का एक डुप्लीकेट कर लें। डुप्लीकेट करने के बाद इसमें फिल करेंगे ग्रे कलर और इसके मोड को भी चेंज कर देते हैं। तो टूल्स में जाएं, ट्रांसपेरेंसी टूल सेट करें, प्रॉपर्टी बार में जाएं और यहां से कर लें मल्टीप्लाई, नॉर्मल की जगह मल्टीप्लाई। तो आपको इस तरीके से इफ़ेक्ट मिल जाता है। अब इसको मैं कंट्रोल के साथ करता हूं पेज डाउन। तो आपको इस तरीके से इसका इफ़ेक्ट मिल जाता है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहां पर कुछ डिज़ाइन और सेट कर लेना है। तो उसके लिए क्या करें, टूल्स में जाएं आप, एलिप्स टूल से एक सर्कल ड्रॉ कर लें। सर्कल ड्रॉ करने के बाद इसमें ग्रे कलर फिल करेंगे। अब इसके आउटलाइन को नन करते हैं। टूल्स में एक बार फिर से जाते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं ट्रांसपेरेंसी टूल, प्रॉपर्टी बार में जाते हैं और यहाँ से कर देता हूँ फंक्शनल ट्रांसपेरेंसी। और प्रॉपर्टी बार में ही ऑप्शन आपको मिल जाता है एलिप्टिकल का। अब इसको मैं थोड़ा सा और बाहर की साइड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इफ़ेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है पॉइंट लाइजर का। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, इसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और यहाँ से सिंपली आपको अप्लाई कर देना है। तो जैसे आप अप्लाई करते हैं कुछ इस तरीके से आपको डिज़ाइन मिल जाता है। अब इसमें मैं कलर फिल कर लेता हूँ। तो इसमें फिल करेंगे केसरिया कलर, और इसको चाहें तो आप और भी लाइट कर सकते हैं। तो उसके लिए टूल्स में जाएं, ट्रांसपेरेंसी टूल सेट करें, प्रॉपर्टी बार में जाएं और यहां से कर दें यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी। अब इतना परफेक्ट है। इसको मैं करता हूं शिफ्ट के साथ पेज डाउन और इस पर क्लिक करेंगे, इसको तिरछा भी कर लेते हैं। अब इसकी साइज मैं और बढ़ा देता हूं और इसी का एक और डुप्लीकेट करेंगे टॉप साइड में भी। मैं यहां पर इसको सेट कर देता हूं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसी रेक्टेंगल में हम इसको कर देते हैं पावर क्लिप। तो इसको सिलेक्ट करें और इस पर राइट क्लिक करें, पावर क्लिप इन साइड। अब इन सभी मैटर को मैं इसमें सेट कर लेता हूँ। इसका कलर कर देते हैं वाइट, आउटलाइन नन करेंगे और ये जो कोरल ड्रो है इसका कलर मैं कर देता हूँ। ये जो यहाँ पर पैटोट कलर है इसी को मैं इसमें कॉपी करके फिल कर देता हूँ। तो उसके लिए क्या करें, टूल्स में जाएं, आई ड्रॉपर टूल सेट करें, सिंपली पिक करेंगे यहाँ से कलर और सिंपली अप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी के साथ कलर फिल हो जाता है। और ये जो सीखे हैं इसी के मैं सामने लगा देता हूँ यहाँ पर। अब इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा और बॉटम साइड में कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो फ्लैक्स वैनर डिज़ाइन है इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। इसमें फिल करेंगे येलो कलर और ये जो करना हुआ आसान इसका कलर वाइट परफेक्ट है। और इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे।
तो टूल्स में चाहें फ्री हैंड टूल से एक लाइन ड्रॉ कर लें। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसके लाइन के विड्थ को भी बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ 1.5 और इसमें ग्रे कलर फिल करेंगे और राइट साइड से मैं ट्रांसपेरेंट भी कर देता हूँ। तो टूल्स में चाहें ट्रांसपेरेंसी टूल सेट करें और सिंपली ट्रांसपेरेंट कर दें राइट साइड से। अब हमें क्या करना है, इन सभी मैटर को चाहें तो आप इसी में पावर क्लिप कर दें। फिलहाल पावर क्लिप करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो 30K है इसकी साइज थोड़ी सी मैं और बढ़ा देता हूँ लेफ्ट साइड में, और इसमें ड्रॉप शैडो का यूज भी करेंगे। ड्रॉप शैडो का यूज करें या फिर ब्लैक शैडो का भी यूज कर सकते हैं। तो टूल्स में जाएं, ब्लैक शैडो टूल सेट करें और सिंपली बॉटम साइड में ड्रैग करेंगे या फिर एक्सट्रूड टूल का मैं इस्तेमाल कर लेता हूं। तो एक बार फिर से टूल्स में जाएं और यहां से सेलेक्ट करें एक्सट्रूड टूल, सिंपली बॉटम साइड में ड्रैग करेंगे। अब इस पॉइंट्स को मैं और बॉटम साइड में लाता हूं यहां पर। उसके बाद कंट्रोल के से करेंगे ब्रेक अपार्ट और ये जो डिज़ाइन है इसमें मैं डार्क कलर फिल कर लेता हूँ। तो इसी मैरून कलर को फिल कर लेते हैं। उसके बाद इसको मैं और लाइट कर देता हूँ बॉटम साइड में। तो उसके लिए सिंपल है, टूल्स में जाएं, ट्रांसपेरेंसी टूल सेट करें और सिंपली बॉटम साइड से ट्रांसपेरेंट कर दें। ट्रांसपेरेंट करने के बाद इन सभी मैटर को बाहर से ड्रैग करते हुए सेट करेंगे और इसी रेक्टेंगल में हम इसको कर देते हैं पावर क्लिप। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इन साइड। अब चाहें तो आप ये जो लोगो है इसकी साइज और बढ़ा दें यहाँ तक। अब ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आपने इसको पावर क्लिप किया है तो यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो कट जा रहा है। तो क्या करें, इसकी साइज और छोटी कर लें। तो इन सभी को बाहर से ड्रैग करते हुए सेट करें और इसकी साइज कर लें और छोटी, और फिर कंट्रोल के साथ बाहर क्लिक करेंगे, पावर क्लिप से बाहर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना आसानी के साथ इस तरीके से मैंने एक आसान सा थंबनेल डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। आप भी प्रैक्टिस करें, इससे अच्छे अच्छे थंबनेल डिज़ाइन बना सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।